नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। मिथुन राशि 10 अप्रैल 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के पंचांग से और किस प्रकार का वक्त बीतने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचांग की। तो आज सुबह का पंचांग इस प्रकार है, सूर्योदय होगा 6:05 सुबह और सूर्यास्त होगा 6:40 पर शाम को। तिथि है कृष्ण पक्ष तृतीया, नक्षत्र है वृषाखा, योग है सिद्धिवार शुक्रवार, चंद्र राशि तुला रहेगी दोपहर 4 बजे तक, फिर रहेगी वृश्चिक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:48 PM दोपहर तक, राहुकाल 10:48 AM से 12:22 PM तक। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके शहर के अनुसार 1-2 मिनट राहुकाल या अभिजीत मुहूर्त या ये जो पूरा पंचांग है सुबह का वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राहु काल में नहीं करने होते हैं कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण काम, और अभिजीत मुहूर्त में कर लेने होते हैं सभी अच्छे और महत्वपूर्ण काम। तो ये थी सुबह की पंचांग की जानकारी। तो अगर आप चंद्र राशि से लग्न राशि से मिथुन है तो इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है और आप जान पाएंगे ये जो दिन है ये कैसा बीतेगा, यानी 10 अप्रैल वाला दिन। अब बात करते हैं आज के टोटके की। उससे पहले अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो शुभकामनाएं। घर पे बैठ के आनंद में अपने जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को परिवार के लोगों के साथ सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये खुशी इतनी मिले कि आप लोग आनंद में डूब जाएं। अब बात करते हैं आज के टोटके की। तो आज हम बात करने वाले हैं चमत्कारी ग्रह राहु की। राहु ग्रह जो है उसको चमत्कारी ग्रह कहा गया है। इसे जादूगर होता है ना, आपने देखा होगा कि जादूगर ने मिट्टी डाली और 100 का नोट बना दिया। बचपन में सबने जादू देखा होगा। जादूगर ने कबूतर था उसको गुलाब का फूल बना दिया। जादूगर ने 1 रुपये का सिक्का डाला और वो 500 का नोट बन के निकल आया। ऐसे जादू आपने बचपन में ऐसे ही ऐसे मिलते जुलते जादू देखे ही होंगे। तो राहु भी कुछ ऐसे ही जादूगर हैं कि किस्मत को कब पलटा दें, कब आप सोच रहे हो कि आपको 1 रुपया कमाना है और आपको 100 रुपये कमा दें, और कब आपको खूब सारी सुख सुविधाएं देते। तो राहु भी इस तरीके से ही काम करते हैं, जादू या चमत्कार दिखाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं राहु एक चमत्कारी ग्रह हैं, और राहु अगर पक्ष में है तो बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीकों से हम जीवन में तरक्की कर जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। या किसी भी कारण से राहु की वजह से अगर आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो आप इन उपायों को करिएगा, या राहु को मजबूत बनाने के लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आइए ऐसे उपाय बताऊंगा जो घर बैठे हो जाएंगे। इन उपायों में से कुछ एक उपायों को कर लीजिए, सभी को कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से देखिएगा। गणेश जी की प्रतिदिन आराधना करने से राहु जो है बहुत मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, और अगर कोई उनका अशुभ परिणाम होता है तो वह समाप्त हो जाता है। सरसों का जो तेल है उसका जो दान है वो सफाई कर्मचारी को करें, या आप खाली जो सरसों होती है बिना तेल निकली सरसों उसका भी दान करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि अगर आप तेल की बजाय सरसों का ही दान कर दें सफाई कर्मचारी को तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मूली का दान करना ही, तो हम मूली लेते हैं, मूली का दान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 4, परिवार के साथ रहें। विवाह हो गया है तो ससुराल से बना के रखें, आपको राहु के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नंबर 5, मूली होती है, मूली के हरे हरे पत्ते होते हैं, तो पत्तों को तोड़ दीजिए, सिर्फ मूली को लीजिए जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है मूली का, उसकी सब्जी बनाइए, तरकारी बनाइए या जो भी कहते हैं, उसको बढ़िया से फ्राई करिए और उसकी सब्जी को जो है वो दान करें, या उसके साथ में कुछ रोटी वगैरह जो है वो दे के लोग गरीबों को खिलाएं, सफाई कर्मचारियों को खिलाएं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मूली के पत्तों को नहीं डालना है, सिर्फ मूली को लेना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। काले कपड़े मत पहना करें अगर राहु किसी भी प्रकार से आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं। नीले रंग की टोपी, नीले रंग का हेलमेट, नीले रंग का रुमाल बांधना या जो भी कोई कई लोग सर पे बांधते हैं तो वो ना करें। नीले रंग को अवॉइड करें और काले कपड़े को अवॉइड करें अगर राहु से कोई दिक्कत है तो। और बासमती, बढ़िया बासमती चावल, थोड़े से बासमती चावल अपनी जेब में रखें, लेकिन वो चावल साबुत होने चाहिए। बहुत सरल सा टोकरा, सबके घर में ही चावल होते हैं, थोड़े से बासमती चावल बिना टूटे हुए अपनी पॉकेट में किसी चीज़ में लपेट के पोटली बनाकर रखें, आपको राहु के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
तो अब मैंने आपको ये शानदार और बेहतरीन राहु के टोटके बताए, उपाय बताए, इसको करके आप राहु को प्रसन्न करके अपने जीवन में भी चमत्कार ला सकते हैं या ला सकती हैं, तो है ना शानदार। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखिए, समझिए हमारी वीडियो को, कि हम ऐसे आपको उपाय बताते हैं जो बिना पैसों के कम खर्चे में देश में विदेश में रहने वाला हर एक इंसान कर सकता है और किसी भी वक्त में कर सकता है। आज हम सब घर के अंदर हैं तब भी ये उपाय हो सकते हैं, इसमें से कुछ उपाय हो सकते हैं, और जब हम स्वतंत्र होंगे बाहर जाने के लिए तब हम इसमें से सारे लगभग उपाय कर सकते हैं, जो एक दो छूटते हैं वो भी उपाय हो जाएंगे। इसलिए मैंने अभी इस करंट सिचुएशन में आपको वही उपाय बताया जो आप घर पे बैठ के कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं राशिफल की, तो उसके बाद भी कुछ उपाय बताऊंगा दिन को सही करने के लिए। आपके दिन की शुरुआत ठीक होगी, किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव या चिंता नहीं होगी दिन के शुभारंभ में। आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ दिन का शुरुआत करेंगे, आपकी जो तय समय में काम करने की आदत है वो तय समय में काम आप पूरा कर लेंगे या कर लेंगे। आपकी संतान आपकी बात मानेगी, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध ठीक ठाक रहेंगे। घर में किसी प्रकार का तनाव सुबह के वक्त यानी दोपहर तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा बहुत बड़ा परेशानी वाला समय आपके बीच में नहीं आएगा, आप अपना काम आसानी से कर लेंगे या कर लेंगी। लेकिन जब शाम के 4 बजेंगे तो उसके बाद वक्त थोड़ा बदलेगा, चंद्रमा 6ठे भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो थोड़ा तनाव बढ़ेगा, आपको कुछ अनचाहे फलों की प्राप्ति होगी। अब जितनी अच्छी सुबह थी या दोपहर थी यानी 4 बजे से पहले का जो समय था उतना अच्छा नहीं होगा, शायद कुछ चिंताएं कुछ परेशानियां आपकी बढ़ जाएं, या आप ज़्यादा सोचने लगें चीज़ों के बारे में, या आप नकारात्मक विचार वाले हो जाएं, यानी कि पॉजिटिव सोचने की बजाय नकारात्मक सोचने लगें, तो इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो आपकी नौकरी में आपकी वजह से दिक्कत आएगी, आप थोड़ा गलत बोल सकते हैं, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कर सकती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर से कोई ऐसी खबर आ सकती है या घर में ही है तो घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, थोड़ा 19-20 हो गया सेहत को लेकर, जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी सेहत खुद की भी खराब हो सकती है, अपच हो सकती है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपके लिए के फैसले गलत साबित हो सकते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत और बढ़ेगी, खर्चा कुछ बढ़ सकता है, कुछ पैसे इधर उधर व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं जिसकी वजह से परेशानी हो, या कुछ लोग मांगने आ सकते हैं पैसे, ज़रूरत हो तो ही आप किसी को पैसे दें, नहीं तो बिल्कुल भी ना दें, बहुत ज़रूरत पे दें, और उधार लेना देना बिल्कुल भी ना करें। आपसे कुछ लोग सहायता मांग सकते हैं तो देख लीजिएगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, अगर जेन्युइन है तो जितनी कर सकते हैं करिएगा, लेकिन बेफजूल में मत करिएगा, और कागजी कार्रवाई करके लीजिएगा कि भाई कब वापस करोगे कैसे करोगे, चाहे आप प्लेन पेपर में क्यों ना लिखवा लें, क्योंकि ज़ुबान की बात आदमी भूल जाता है लेकिन कागज़ पर लिखा याद रहता है। तो कर्ज वगैरह मत दीजिएगा, या आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है और वो व्यक्ति आपसे अब डिमांड कर सकता है कि मुझे पैसा दो, फोन पे पैसे मांग सकता है कि मुझे कोई ज़रूरत है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आपको इस मुश्किल वक्त में शायद अपना पैसा निकालना पड़ सकता है, कि आपको जो आपने कर्जे लिए थे वो वक्त से पहले पूरे या कुछ हद तक चुकाने पड़ सकते हैं। तो शाम का वक्त कुछ ऐसे ही बीतने वाला है इन सब चिंताओं परेशानियों में। आपकी तरफ आने वाली जो मुसीबतें हैं कहीं ना कहीं आप उनको पहचान लेंगे, आपको उनका आभास हो जाएगा, तो आप थोड़े से तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुसीबतों को पहचान लेने से मुसीबतें कम नहीं होंगी, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कैसे उससे बचा जाए और कैसे मेहनत करके और आगे बढ़ा जाए। तो ये थोड़ा तनाव का विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ी बहुत परेशानी देगा जिससे थोड़ी सी टेंशन होगी लेकिन सब निकल जाएगा वक्त। आपकी संतान की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, आपकी संतान उन्नति करेगी, आपके पिता का भाग्य चमक सकता है, आपके पिताजी नौकरी व्यवसाय कुछ करते हैं तो उनके लिए भी समय शानदार रहेगा, आपके पिताजी के तरफ से आपको सहायता मिल सकती है, मदद मिल सकती है, तो आपकी मुसीबतें कम होती हुई नजर आएंगी। एक तरफ से अगर तनाव है तो दूसरी तरफ से सॉल्यूशन भी ईश्वर दे रहा है। जीवन साथी से थोड़ा सा खटपट हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के संबंध जो हैं वो ठीक रहेंगे, शेयर मार्केट से बचना होगा, पैसा जल्द कमाने के चक्कर में कोई लापरवाही नहीं करनी होगी या कुछ गलत फैसला नहीं लेना होगा। शेयर मार्केट में समझदारी से पैसा लगाते हैं
तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सावधानी बहुत चाहिए। और आपका मन थोड़ा एकांत प्रिय होगा तो आप चुपचाप रहने की कोशिश करेंगे, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिएगा। अपने स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन ना लेके आए तो बढ़िया रहेगा, ईश्वर की भक्ति करिएगा। और कुल मिलाकर बहुत सुनियोजित ढंग से, बहुत बुद्धि के साथ समय को बिताइएगा। अगर सही तरीके से काम करेंगे आप, सही तरीके से सोचेंगे विचारेंगे, तो ये वक्त जितना तकलीफ दे, मैं आपको क्या बताऊं कि जितना दिख रहा है उतना होगा नहीं। आप जल्द ही इन सब चीज़ों से निजात भी पा लेंगे, यानी कि इस हाथ मुसीबत है तो इस हाथ सुख है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा और बहुत समझदारी से फैसले कीजिएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, बढ़िया रहेगा। भगवान श्री राम की उपासना करिए, बढ़िया रहेगा। इतना कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं है, जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आनंद में रहिए, घर में रहिए और सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करिए। घर की दाल रोटी खाइए, मस्त रहिए और खिड़कियों से आने वाली, बालकनी से आने वाली ताजी हवा का आनंद लीजिए। और आकाश की तरफ देखिए, कितना बढ़िया आकाश दिखता है, चंद्रमा कितना बढ़िया दिखता है, कितना साफ दिखता है, तारे कितने साफ दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों में वक्त बिताइए और अपना काम करिए, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरिओम, नमस्कार।